Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover the aircraft Jaguar, which is there in Indian Air Force. So let's get started with our topic. सो जो जैगवार है वो एंग्लो फ्रेंच जेट अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसको ओरिजिनली यूज़ किया गया था ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के द्वारा एंड फ्रेंच एयरफोर्स के द्वारा इन द क्लोज एयर सपोर्ट एंड न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल। ये अभी भी इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है। जो ओरिजिनली इसको कंसीव किया गया था 1960 में एज अ जेट ट्रेनर विद अ लाइट ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी, और जो रिक्वायरमेंट थी एयरक्राफ्ट की दैट सून चेंज टू इंक्लूड सुपरसोनिक परफॉर्मेंस रिकॉग्निशंस एंड टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल्स। जो जैगवार है उसको एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया, ओमान, इक्वेडोर, नाइजीरिया। ये जो एयरक्राफ्ट है वो न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट्स और मिलिट्री ऑपरेशन में यूज़ किया गया है, जैसे कि मॉरिटानिया के, चैड, इराक, बोस्निया एंड पाकिस्तान, एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ रेडी न्यूक्लियर delivery platform for the United Kingdom, France and India throughout the later half of the Cold War and beyond. जो गल्फ वॉर में जैगवार को प्रेज किया गया था फॉर इट्स रिलायबिलिटी एंड वॉज अ वैल्यूएबल कोलिशन रिसोर्स। जैगवार जो है ऑर्थोडॉक्स सिंगल सीट स्वेप्ट विंग ट्विन इंजन मोनोप्लेन डिजाइन है विद टॉल ट्राईसाइकिल टाइप रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर। इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सो इट हैड मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इन 15 टन क्लास विद अ कॉम्बैट रेडियस ऑन इंटरनल फ्यूल ऑफ 850 किलोमीटर, जिसकी वजह से जो कि जैगवार को एक ग्रेटर ऑपरेशनल रेंज देता है देन कॉम्पिटेटर एयरक्राफ्ट सच एज मिकोयान मिग 27। ओके, हेयर इज अ पिक्चर ऑफ जैगवार GR3 ड्यूरिंग मिड एयर रिफ्यूलिंग। इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, आपके सामने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू है जैगवार का। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इसमें क्रू दो बैठ सकते हैं। लेंथ इसके 16.83 मीटर है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 17.53 मीटर। ओके, इसका विंग स्पैन इज 8.69 मीटर, हाइट इज 4.89 मीटर, विंग एरिया इज 24.18 मीटर स्क्वायर, एस्पेक्ट रेशियो इज 3.12, एम्प्टी वेट इज 7000 kg। ओके, इसका ग्रॉस वेट जो है दैट इज 10,954 kg, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज 15,700 kg। इसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है दैट इज 4,200। इसका पावर प्लांट जो इसमें यूज होता है दैट इज आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन। इसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड इज 1,350 किलोमीटर पर आवर। इसकी कॉम्बैट रेंज है 158-15 किलोमीटर। सर्विस सीलिंग इज 14,000 मीटर। ओके, इसकी जी लिमिट इज प्लस 8.6, टाइम टू ऑल्टीट्यूड इज 9145 मीटर, विंग लोडिंग इज 649.3 kg, थ्रस्ट जो है इसका MK102 है, टेक ऑफ रन टू 15 मीटर है। ओके, तो वो होता है इसका 940 मीटर, और लैंडिंग रन फ्रॉम 15 मीटर इज 785 मीटर, लैंडिंग रन इज 470 विद टिपिकल टैक्टिकल लोड। आर्मामेंट की बात कर लेते हैं, इसमें जो गन्स लगी होती है दैट इज 2x30mm, और जिनकी कैलिबर होती है 1.181 कैलिबर विद अप टू 150 राउंड्स पर गन। हार्ड पॉइंट 7 है, 4 तो विंग के नीचे, 2 ऊपर और 1 सेंटर लाइन पे। रॉकेट इसमें जो यूज़ होते हैं 8x मात्रा रॉकेट पॉड विद 18x SNEB 68mm रॉकेट। मिसाइल्स इसमें जो है मार्टल एंटी रेडार मिसाइल, फिर साइड विंडो एयर टू एयर मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स में रुदाराम 1 आ जाता है, एंटी शिप मिसाइल में हार्पून सी ईगल आ जाता है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन में DRDO की स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन आ जाता है। ओके, उसके अलावा बॉम्ब्स की बात कर लेते हैं, तो ये काफ़ी सारे लेजर गाइडेड बॉम्ब और अनगाइडेड बॉम्ब इसमें इक्विप किए जा सकते हैं, और WE-177 न्यूक्लियर बॉम्ब को भी इसमें इक्विप किया जा सकता है। अगर दूसरे इक्विपमेंट्स की बात करें तो इसमें ECM प्रोटेक्शन पॉड भी है, रिकॉग्निशंस पॉड है। ओके, एवियोनिक्स इसमें रेडार EL/M2052 यूज़ होता है एज अ पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ओके, सो गाइज दैट वॉज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब SSB Success। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।